गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स कॉग्नाइज। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश इज द पेडागोजी ऑफ इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पेडागोजी ऑफ इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडियन इंग्लिश इंडियन। टू लेटर यूनिट्स वुड स्पेसिफिकली डील विद दिस प्रॉब्लम एज रिगार्ड द साउंड पैटर्न, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस पैटर्न एंड ग्रामर एंड इंटेलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश। हेयर वी वुड हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इशू कंसर्निंग द इंडियननेस ऑफ इंग्लिश। उन्होंने क्या कहा है कि जो यूनिट्स हैं, लेटर यूनिट्स हैं, उसमें क्या है स्पेसिफिकली, किन चीजों के बारे में बताया गया है, प्रॉब्लम्स के बारे में ओवरव्यू दिया गया है उनका, जो इश्यूज किसके रिलेटेड है, इंडियननेस ऑफ इंग्लिश के। कुछ इश्यूज हैं जैसे साउंड पैटर्न, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस पैटर्न एंड ग्रामर एंड इंटेलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ डील करता है मोस्टली प्रॉब्लम्स के साथ, जो किसके साथ कंसर्न है, इंडियननेस ऑफ इंग्लिश के साथ। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया। सो नाउ स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। How can a language that was forcibly imposed upon a nation by an imperialist power claim to be a native language? उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह एक लैंग्वेज को forcibly impose किया जाता है नेशन के ऊपर, नेशन के ऊपर किसके द्वारा, imperialist power claim के द्वारा एक native language बनने के लिए। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर, एक लैंग्वेज कैसी होगी जिसे फोर्सफुली क्या है नेशन के ऊपर इम्पोज किया जाएगा इंपीरियलिस्ट पावर क्लेम द्वारा एक नेटिव लैंग्वेज बनने के लिए। वेल देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ क्या है, दो तरीके हैं प्रॉब्लम को देखने के लिए। फर्स्टली, फर्स्ट जो है, इफ वी कंसीडर इंग्लिश टू बी आ वेस्टर्न लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा है, अगर हम कंसीडर करते हैं इंग्लिश क्या है, वेस्टर्न लैंग्वेज है, अगर हम ये मानते हैं, देन ऑब्वियसली वी वुड हैव टू डिफाइन व्हाट वी मीन बाय वेस्टर्ननेस। तो हमें किस चीज को डिफाइन करना होगा, वेस्टर्ननेस को। अगर हम इंग्लिश को वेस्टर्न लैंग्वेज मानते हैं तो हमें वेस्टर्ननेस को डिफाइन करना होगा। That English was the language of imperial rule cannot be denied. ये जो English है वो किसकी language थी, imperial rules की, जिन्हें हम denied नहीं कर सकते, मतलब अस्वीकार नहीं कर सकते। But it would be wise to remember that, पर हमें यह याद रखना होगा कि इट वॉज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ अवर नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। ये कौन सी लैंग्वेज है, हमारी नेशनलिस्ट स्ट्रगल की, जो इंडिपेंडेंस के लिए नेशनलिस्ट स्ट्रगल की थी। इट वॉज द लैंग्वेज, ये वह लैंग्वेज थी जिसने यूनाइट किया था साउथ को नॉर्थ के साथ। इट वॉज द लैंग्वेज दैट यूनाइटेड द साउथ विद द नॉर्थ। ये वो लैंग्वेज है जिसमें साउथ को नॉर्थ के साथ यूनाइट किया गया। इट वॉज ऑल्सो द लैंग्वेज थ्रू विच द नेशनलिस्ट लीडर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर एज वेल एज द इम्पीरियल रूलर्स। ये वो लैंग्वेज थी जिसके द्वारा क्या थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, और क्या थे, इम्पीरियल रूलर्स के द्वारा भी यही लैंग्वेज यूज की जाती थी। इन अ वे द फंक्शन ऑफ इंग्लिश दैट वॉज ओरिजिनली मीन टू क्रिएट अ स्लेव रेस आउट ऑफ अस वॉज सबवर्टेड बाय अवर एप्रिशिएशन ऑफ इट। एक तरह से क्या है, जो इंग्लिश का फंक्शन था, मतलब मेन कार्य था जो इंग्लिश का, उसका मेन मीन क्या था,
हमें गुलाम बनाने का, स्लेव, गुलाम बनाने का, जो किन के द्वारा सबवर्ट किया गया, हमारी एप्रोसिएशन के द्वारा। द लैंग्वेज वॉज मोल्ड एंड सूटर टू सर्व अवर पर्पस इन अ वे दैट द कॉलोनियल रूलर्स कुड नॉट इवन इमेजिन। ये वो लैंग्वेज है जिसे इस तरह से मोल्ड और सूट किया गया कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। इसमें हमने किन चीजों को डिस्कस किया है, एक तो वेस्टर्न लैंग्वेज, इंग्लिश टू बी अ वेस्टर्न लैंग्वेज, और वेस्टर्ननेस को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, और क्या है, यूनाइट किया गया साउथ और नॉर्थ को लैंग्वेज द्वारा, और क्या है, ये वो लैंग्वेज थी जिसमें नेशनलिस्ट लीडर्स और इम्पीरियल रूलर्स कम्युनिकेट करते थे। एक तरह से इस लैंग्वेज का मेन वर्क क्या था, हमें स्लेव बनाने का, और इस लैंग्वेज को इस तरह मोल्ड और सूट किया गया कि कॉलोनियल रूलर्स इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। थर्ड पैराग्राफ है हमारा, इट मस्ट हाउएवर बी रिमेम्बर दैट इंग्लिश हैज ऑल्सो प्लेड अ लार्जली डिविजिव रोल इन अवर कंट्री बाय क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट सेपरेशन बिटवीन द इंग्लिश नोइंग क्लास एंड द नॉन इंग्लिश नोइंग क्लास। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, हमें याद रखना होगा कि उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है डिविजिव रोल का हमारी कंट्री में, जिसमें क्या है, डिस्टिंक्ट सेपरेशन बताई गई है किनके बीच, एक तो वो क्लासेस जो इंग्लिश को जानते हैं, मीन्स टू से इंग्लिश नोइंग क्लास, और दूसरी क्लास कौन सी है, नॉन इंग्लिश नोइंग क्लास, दोनों के बीच में सेपरेशन की है, मतलब डिविजिव रोल प्ले किया है हमारी कंट्री में जो लोग इंग्लिश जानते हैं और जो लोग इंग्लिश नहीं जानते। Thus, it is also the language of prestige and social power. So, यह जो लैंग्वेज है वो किस चीज की लैंग्वेज है, प्रेस्टीज और सोशल पावर की। इसमें सभी इंग्लिश के बारे में बताया गया है, मतलब पेडागोजी ऑफ इंडियननेस के बारे में बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज की। It is this nature of the language has to be countered by our accepting it as only one of the many languages in India and not as the only language of social recognition. ये वो लैंग्वेज है जिसे किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इंडिया में क्या है, काफी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज इंग्लिश भी है जिसे एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि ये ओनली सोशल रिकॉग्निशन लैंग्वेज नहीं है, इसे इंडियन द्वारा एक्सेप्ट किया गया है दूसरी लैंग्वेजेस की तरह। ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें हमने डिस्कस किया है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने सेपरेशन की है इंग्लिश नोइंग क्लास और इंग्लिश नॉन नोइंग क्लासेस के बीच, और इसे एक्सेप्ट किया गया है वन ऑफ द मैनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन लोगों द्वारा, और ये लैंग्वेज है प्रेस्टीज एंड सोशल पावर की, और ये अकेली सोशल रिकॉग्निशन लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्सेप्टिंग लैंग्वेज है इंडियन की। नाउ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। Secondly, it must also be remembered that the student of English is an international industry. हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि जो English की study है वो क्या है, एक तरह की international industry है। Tens of thousands of scholars engage in it throughout the world, teaching a student population of million and producing innumerable books, periodicals, monograph, dissertations, papers, articles, reports, conference proceedings, class notes, chorus books, newsletter and interest contribution, internet contributions. क्या है, tens of thousand means to say दस हजारों scholars जो किस चीज में लगे हुए हैं, student की teaching में,
पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस एंड प्रोड्यूसिंग इनम्यूरेबल बुक्स में, पीरियडिकल्स में, मोनोग्राफ में, रिपोर्ट्स में, आर्टिकल बना रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्लास नोट्स बना रहे हैं, कोरस बुक्स बना रहे हैं, न्यूज़लेटर बना रहे हैं, इंटरनेट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. मीन्स टू से हजारों लोग क्या है ये वर्क कर रहे हैं इंग्लिश के लिए. देयर टोटल कंट्रीब्यूशन इज मोर देन एनी ऑफ देम कैन एवर होप टू डाइजेस्ट एंड इन मेनी केसेस फ्यू विल सीज every publication or other document that touches on their area of special interest. ये जो total contribution कर रहे हैं लोग वो क्या है, digest, एक बंदे की digest hope से भी ज्यादा है. कुछ केसों में क्या होता है, हम देखते हैं जितने भी पब्लिकेशन है या डॉक्यूमेंट है वो क्या है, स्पेशल इंटरेस्ट को टच करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ लोग वर्क करते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर बुक होगी, पर्टिकुलर कंटेंट हो गया, कुछ भी. दिस वुड इम्प्लाई दैट एट प्रेजेंट, इसे किस पर इम्प्लाई किया गया है, प्रेजेंट के लिए. देयर आर अम्पटीन नंबर ऑफ इंग्लिश डिसेमिनेटेड, क्या है इंग्लिश का प्रसार है जो काफी ज्यादा हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, विदाउट एनी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बिना किसी प्रोटोकॉल के, प्रोनाउंसिएशन के और सिंटेटिक पैटर्न के. जो इंग्लिश की डिसेमिनेशन है वो काफी ज्यादा हो रही है, मतलब इंग्लिश का प्रसार है जो काफी ज्यादा हो रहा है. इफ वी कंसीडर इंडियन इंग्लिश एज ओनली वन ऑफ सच न्यूमरेबल वराइटीज ऑफ इंग्लिश, अगर हम कंसीडर करें कि इंडियन इंग्लिश है वो क्या है, वराइटीज ऑफ इंग्लिश है, देन क्या है इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं अपने अनड्यू इम्पोर्टेंस को इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंडिया में. आई होप ये क्या है, कंसीडर किया गया है कि जो इंडियन इंग्लिश है उसमें क्या है, इंग्लिश की काफी वराइटीज है और इसके द्वारा हम क्या है, रिड्यूस कर रहे हैं अनड्यू इम्पोर्टेंस को इंग्लिश इन इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया में इंग्लिश के अकॉर्डिंग. इट इज द लैंग्वेज ऑफ डिस्पर्शन एंड डिसिपेशन, ये लैंग्वेज किसकी है, डिस्पर्शन की, मीन्स टू से फैलाव की, और डिसिपेशन की, अपव्यय की. एंड इट वुड बी प्रोबेबली बी बेस्ट स्टडीड सो, इसमें क्या है, प्रोबेबली इसकी अच्छी स्टडी की जा रही है. Moreover, the teachers of English should be equipped to teach the English as a functional. Teacher के लिए क्या है, उन्हें equipped किया गया है कि वो इस लैंग्वेज को टीच करवाएं. वर्क है ये उनके लिए, फंक्शन है एक तरह का. One required for a certain specific purpose rather than as the language of aesthetic beauty and greatness. क्या है, aesthetic beauty, सौंदर्य और greatness से बेहतर क्या है, कुछ वर्क परफॉर्म करना, मतलब इंग्लिश को यूज करके फंक्शंस परफॉर्म करने, वर्क करने ज्यादा बेस्ट है ब्यूटी एंड ग्रेटनेस से. आफ्टर ऑल इंग्लिश इन इंडिया इज यूज्ड ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पसेस, जो इंग्लिश है इंडिया में उसे क्या है, लिमिट नंबर ऑफ पर्पस से यूज किया जाता है, लोकल लैंग्वेज और मदर टंग के साथ जो जरूरत होती है सिर्फ उसी पर्पस से इंग्लिश को यूज किया जाता है. इट इज देयर फॉर इम्पेरेटिव दैट इंग्लिश बी टॉट एज द लैंग्वेज ऑफ वोकेशन एंड एज अ लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस रेदर देन थ्रो द मीनिंगलेस शेक्सपियर एंड मिल्टन हु वर कंटेक्चुअली सो फोर लोकेटेड फ्रॉम द लर्नर दैट दे लॉस ऑल इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी एंड डिस्टेंस इन टाइम. इसमें उन्होंने क्या कहा है कि शेक्सपियर एंड मिल्टन ने जो भी कुछ लिखा है उनसे इंग्लिश सीखने का मतलब क्या है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो रहा है,
वो उनसे अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए वो इंडिया में इंग्लिश को लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस से यूज़ करते हैं। ये था हमारा फोर्थ पैराग्राफ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें हमने डिस्कस की थी लोगों के वर्क्स के बारे में जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वर्क्स कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, और क्या है इंग्लिश की डिजामिनेटेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है इंडिया में, और क्या है हम इसे एक मेन मोटिव नहीं कह सकते, एक रीज़न है जिससे हम इंडिया में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज है डिस्पर्शन और डिसिपेशन की। इसे टीचर्स के लिए भी बताया गया है कि ये अच्छा वर्क है जो टीचर्स इंग्लिश टीच करते हैं, और जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है इंग्लिश को लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस से यूज़ करते हैं। ये था हमारा फोर्थ पैराग्राफ, आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पैराग्राफ। ऑल्सो इट इज नेसेसरी टू इंस्टिल इन द लर्नर द फीलिंग दैट लाइक एनी अदर लैंग्वेज इंग्लिश टू इज एन इंडियन लैंग्वेज एट कैन बी लर्नड एज अ स्टूडेंट लर्न हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। इसमें उन्होंने किस चीज को जरूरी बताया है कि लर्नर को हमें इस तरह से इंस्पायर करना चाहिए कि इंडियन लैंग्वेज में वो इंग्लिश को भी इस तरह से लर्न करे जैसे वो हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस को लर्न करता है। द इंडियननेस हैज टू बी स्पेसिफाइड एंड द लैंग्वेज एज लॉन्ग एज इट इज इंटेलिजिबल शुड बी ट्रीटेड एज सच विदाउट अ हैंगरिंग फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और यूसेज। जो इंडियननेस है इसे स्पेसिफाई किया गया है, और ये जो लैंग्वेज है इंटेलिजिबल है और इसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, इसकी अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो और इंग्लिश को बेस्ट फील्ड्स में यूज करना चाहिए। आफ्टर ऑल लैंग्वेज इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। उन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज है जो वो एक डायनामिक सब्जेक्ट है। मीन्स टू से डायनामिक क्यों कहा है, क्योंकि लैंग्वेज में काफी चेंजेस आते रहते हैं, उनके साइनोनियम्स एंटोनियम्स और न्यू वर्ड्स फ्रेसेस फॉर्मेशंस काफ़ी डे टू डे चेंज होती रहती हैं, इसीलिए उन्होंने लैंग्वेज को डायनामिक सब्जेक्ट कहा है। और लैंग्वेज एक बंदा छोटे होते अपनी मदर टंग बोलता है, स्कूल में जाता है वो और भी लैंग्वेजेस सीखता है, इसीलिए लैंग्वेज को उन्होंने डायनामिक सब्जेक्ट कहा है। एंड चेंज इज एन इंस्ट्रिंसिक पार्ट ऑफ इट। वट इज देयर फॉर इंडियन इन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज हैज टू बी बिल्ट इन टू द करिकुलम बाय इंट्रोड्यूसिंग लर्नर टू इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, पॉइंटिंग आउट टू दैम देयर स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज विद एन इंडियन कंटेक्स्ट। उन्होंने क्या कहा है कि इंडियन पाई जाती है इंडियन इंग्लिश में, इंडियन इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, और उन्होंने क्या कहा है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडियन इन इंडियन इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है लर्नर्स द्वारा, और इसमें क्या है राइटर्स ने राइटिंग की है इंग्लिश में, और पॉइंट आउट किसे किया गया है स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज को इंडियन कंटेक्स्ट के साथ, मतलब जो लैंग्वेज है उसका स्पेशल कंटेंट, स्पेशल कंटेक्स्ट, बुक्स और भी कई चीजों में क्या है लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। लास्ट पैराग्राफ है हमारा इस टॉपिक का। फाइनली लिटरेचर हैज अ कंस्ट्रक्टिव रोल टू प्ले इन एनी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लिटरेचर क्या है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, कोई भी लैंग्वेज हो लिटरेचर अच्छा रोल प्ले करता है लर्निंग में, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है कोई भी रीजनल लैंग्वेज है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टूल टू क्वेश्चन द वेज इन विच कॉलोनियलिज्म इस्टेब्लिश इट्स रूट्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ टूल, काफी वे से
जिसमें क्या है, कॉलोनियलिज्म ने अपनी जड़ें एस्टेब्लिश की है, रूट्स एस्टेब्लिश की है कंट्री में, इंडिया में रूट्स एस्टेब्लिश की है कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनियलिज्म ने। मोर एवर इट इज रिपोजिटरी ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज, ये क्या है, लैंग्वेज की यूसेज का एक भंडार है, रिपोजिटरी है। Hence it provides us with a convenient source of content for a course in a foreign language. ये हमें किस चीज को प्रोवाइड करता है, सोर्सेज को, convenient सोर्सेज को कंटेंट के लिए, कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस में कंटेंट लिख सकें, यूज कर सके। टू क्रिएट अ ट्रूली फंक्शनल सिलेबस इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड कंसेप्ट एंड सब्जेक्ट मैटर दैट डेवलप इन कम्प्लेक्सिटी। उन्होंने क्या कहा है कि इसे स्ट्रक्चर किया गया है कंसेप्टिस के लिए, जिसे क्या है कम्प्लेक्सिटी में डेवलप किया गया है, मतलब कठिनता से डेवलप किया गया है, मतलब मुश्किल से डेवलप किया है। लिटरेरी वर्क्स मीट दिस नीड मोर इजीली देन द अदर मटेरियल, जो लिटरेरी वर्क है वो इसे काफी इजीली डेवलप कर सकते हैं। इन आवर केस दर्स अ फोरग्राउंडिंग ऑफ इंडियन लिटरेचर, हमारे केस में क्या है, जो इंडियन लिटरेचर की फोरग्राउंडिंग है उसमें दोनों है, ओरिजिनल रिटन इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, इसमें क्या है इंग्लिश का ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश का अनुवाद किया गया है। मे बी यूज टू रूट द लर्नर्स इन द नोशन ऑफ इंडियननेस एज वेल एज टू गिव कम्युनिकेटिंग कॉम्पिटेंस टू देम इन द लैंग्वेज। इसे किस चीज के लिए यूज किया जाता है कि लर्नर है जो लर्न कर सके रूट से, लैंग्वेज की रूट से, एज वेल एज और किसके लिए यूज किया गया है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए। वट देन इज द फ्यूचर ऑफ द इंग्लिश इन इंडियन पेडागोजी, यहाँ पर लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है कि इंडियन पेडागोजी में इंग्लिश का फ्यूचर क्या होगा। ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ, इसमें इंग्लिश को रिपोजिटरी बताया गया है और कॉलोनियलिज्म ने इसकी रूट्स एस्टेब्लिश की है इंडिया में, और कन्वेंट सोर्स बताया गया है इसे कि फॉरेन लैंग्वेज में हम कंटेक्स्ट अच्छे से लिख सकते हैं लैंग्वेज को यूज करके, और क्या है, क्या किस चीज को बताया गया है कि जो लिटरेचर है इसे हम इजीली यूज कर सकते हैं, और इंडियन लिटरेचर की फोरग्राउंडिंग को बताया गया है, इंग्लिश के ट्रांसलेटर टेक्स्ट को बताया गया है, और कम्युनिकेटिंग कॉम्पिटेंस को बताया गया है, और लास्ट में क्वेश्चन अराइज किया है कि इंग्लिश का फ्यूचर क्या होगा इंडियन पेडागोजी में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पेडागोजी इन इंडिया। Don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon to get notification of all new update videos related to MA English Literature. Thank you guys. Bye bye. Have a nice day.